भाई तुम्हें कोड बता दूं इसका, ये देखो 1 1। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर थ्रेड। डेट इज आर चोरी फ्रॉम ग्लाइस्टर बोले जा रही है ICE 372 भाई यार, इसको रुकने दो एक मिनट ना भाई, दोबारा शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल है सबके? भाई इस वाली वीडियो में मैं जा रहा हूँ भाई फ्रैंकफर्ट। मेरा एक दोस्त आ रहा है दिल्ली से, तो उसको लेने जा रहा था। अभी मेरी वैकेशन भी चल रही है, एग्जाम वाला तुमने ब्लॉग देखा होगा, और नहीं देखा तो देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा डिफ़िकल्टी कितनी है एग्जाम्स की। तो अभी मेरा आ रहा है दिल्ली से एक दोस्त आ रहा है, अभी फ्रैंकफर्ट लैंड करेगा वो आज शाम को, तो मैं निकलूँगा अभी, तो उसको देखेंगे, उसको रिसीव करेंगे और देखते हैं क्या सीन है फ्रैंकफर्ट जाके। यार आज पता एक चीज़ है जो कि बहुत गलत हुई मेरे साथ, वो है भाई स्टेशन आ गया, वो है भाई स्ट्राइक, ट्रेन की स्ट्राइक चल रही है कैडी वाली। तो भाई मैं बता रहा था आज ना स्ट्राइक चल रही है बहुत तगड़े वाली, और पता नहीं यार क्या होगा आज। यहाँ आज ना लाइक स्ट्राइक है तो सारी ट्रेन बंद नहीं है, तीन तीन चार चार घंटे में एक एक ट्रेन है, तो मुझे जगना पड़ा था 8 बजे, देख रहे हो तुम, मतलब 8 बजे तो निकला था, सॉरी 6 बजे जगना पड़ा था। अभी ट्रेन आ चुकी है, अभी दूसरी वाली दूसरी ट्रेन लेते हैं और देखते हैं क्या सीन है, सीट मिल जाए बस, नहीं तो छीननी पड़ेगी किसी से सीट। भाई साहब पूरा जोर लगा रखा ट्रेन ने, दुनिया भर की आवाज़ कर रही है, पता नहीं क्या दिख रहा होगा तुम्हें, बस छोड़ो अंदर चलते हैं अभी ना। भाई अभी बैठ चुका हूँ मैं ट्रेन के अंदर और भाई सब सेट है, लेकिन यार ये स्ट्राइक स्ट्राइक का सीन पता है गलत है यार, पता नहीं क्यों हो रही है जर्मनी में, पता है दिसंबर से ही हो रही है और नोटिस आता रहता है कि कभी कुछ, और बस यही है। पर कोई नहीं, चार चार ट्रेन के बदले ना एक ट्रेन तो चली रही है, तो ठीक है कोई नहीं, पहुँच जाएंगे आज और फिर आगे चल के मैं दिखा दूँ तुम्हें क्या सीन रहता है, जो भी होता रहेगा दिखाता रहूँगा। भाई फाइनली आधा घंटा वेट कराने के बाद चली पड़ी हमारी ट्रेन ना, ये देखो बाहर का नज़ारा, तगड़ा सही है वेदर तो आज, ओ तगड़ा तो क्या धूप आ रखी है, सही है मतलब बढ़िया, कोई भी नहीं बैठा है नहीं भरी हुई नहीं है जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ एक ही ट्रेन है तो भरी हुई होगी, पता नहीं क्यों। भाई लेट हो गए, इतना लेट हो गए, सारी ट्रेन लेट हो रही है सॉरी, पर कोई नहीं, अब तो बस ये लास्ट ट्रेन है, नहीं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, एक और इसके बाद ना यार सीट में तो और लफड़ा है ना। भाई फाइनली लास्ट ट्रेन आएगी अब यहाँ पर, और वो आ गई, देखा बोलती आ गई, वाह जी वाह, मेरी है क्या? नहीं आ रही है तो दूसरी, शिट। तो भाई लास्ट ट्रेन आएगी अब यहाँ पर और वो सीधा जाएगी फ्रैंकफर्ट, सीधा फ्रैंकफर्ट मेन स्टेशन, तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ अभी बस, बाकी सब तो सेट। पहुँच गया यार, 5 घंटे हो गए चलते चलते ट्रैवल करते करते, 8 बजे का निकला था, 1 बज गए, 1:15 हो रहे हैं अभी, बताओ देख रहे हो। भाई पहुंच गया यार फाइनली, भाई फाइनली 6 घंटे ट्रैवल करके यार, 6 घंटे भाई मजाक है क्या, तगड़ी स्ट्राइक हुई यार आज ही, कोई नहीं चलो पहुंच गया मैं फाइनली भाई 6 घंटे लगा के। और ये देखो ऐसा कुछ है आउटबाउंड हॉफ यहाँ का फ्रैंकफर्ट का, और मैं आगे वाले कैमरे से दिखाता हूँ क्या सीन है यहाँ का। अभी मैं जाता हूँ सीधा एयरबीएनबी में, वहाँ करता हूँ चेक इन वेक इन सब, और तुम्हें दिखाता हूँ क्या सीन है, फिर मैं जाऊँगा, मेरे दोस्त की फ्लाइट लैंड कर रही है 6:30 बजे, तो 6:30 बजे कर रही है ना, 6:30 बजे फिर मैं निकलूँगा, अभी तो 2 बज रहे हैं, 8 बजे निकला था, 2 बजे पहुँचू 6 घंटे, ठीक है। अब चलते सीधा एयरबीएनबी में, और तो कुछ करने को है नहीं, और थोड़ा खाएंगे पिएंगे कुछ वहीं पर, देखते हैं आगे क्या सीन है। भाई तुम्हें एक चीज़ और देखो भाई, आज ना स्ट्राइक है, कब भी देखो एक बार कितनी भीड़ है भाई, ये देखो क्या तगड़ी भीड़ है भाई,
पूरे में भीड़ ही हो रखी है तगड़ी वाली ना, इतने लोग इधर उधर आ जा रहे हैं और आज स्ट्राइक है तब इतनी भीड़ है। और सोचो नॉर्मल डेज में कितना होता होगा, मैंने तो देखा है भरा रहता खचाखच, जगह ही ना होती कहीं पैर रखने की भी। पर यहाँ का ये ना बानोफ का मैगटी बड़ा बेकार है यार, पिछली बार मैं खा रहा था तो मज़ा नहीं आया कुछ। भाई बाहर निकल के ऐसा कुछ मौसम हो रखा है अभी, और ये देखो सामने से सुंदर है भाई इसका ना आउट बानोफ, तगड़ा है एकदम एक नंबर। और अभी मैं लेता हूँ ट्रैम व्रैम लेता हूँ, ये देखो ये जो बस है ना ये फ्रैंकफर्ट के सारी जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं सारी सारी दिखा देती है ये, और ये बढ़िया है कोई अगर टूरिस्ट हो तो देख लेगा भाई आके, मौज आ जाएगी उसकी। और अभी तो मैं लेता हूँ ट्रैम यार, मेरे को सर्च भी करनी है, मैंने सर्च ही नहीं करी कहाँ पर है, तो देखता हूँ अभी बस। देखो भाई धूप हो रही है कैडी घनी कैडी धूप। भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो ये ना फ्रैंकफर्ट का एस बान वाला ट्रेन स्टेशन है, और ये अपना जो मेट्रो स्टेशन नहीं होता दिल्ली में वो सेम नहीं लग रहा, जैसे राजीव चौक देख लेना वैसा सही है, मतलब राजीव चौक नहीं कोई भी देख लो ऐसी, बस यहाँ पर लिखा होता है करोल बाग, उसकी जगह लिख रखा है ना फ्रैंकफर्ट, बस सेम। भाई ये देखो ये अपना फ्रैंकफर्ट का सिटी सेंटर इन स्टार्ट इसका बोलते हैं। और अभी भाई मैंने ना जो एयरबीएनबी कराया वो बिल्कुल एकदम चिल्ला ले यहीं चिल्ला लें लौट जाए यहीं, भाई मैंने जो अपना एयरबीएनबी कराया ना वो सिटी सेंटर में ही कराया ताकि सही मतलब इधर उधर ज़्यादा जाना ना पड़े। ये क्या लेके ढोल रहा है टोकरी सी, भाई ये तो वो बना रहा है सॉसेज। भाई ये वाला जो है ना ये माई सील, वैसे तो ये जेड को एस बोलते हैं तो माई सील हो गया, तो ये जो माई सील है ये सबसे तगड़ा मॉल है मतलब फ्रैंकफर्ट के उसका सिटी सेंटर का। और यहाँ यहाँ खेल दिखा रहा भाई कोई, मतलब वो चल रहा है कुछ बालक बच्चा नाच बालक नाच रहा है, एक कैडा नाच रहा भाई वो टाट पकड़ा हो गया लो बड़ा भाई आता उसका वो नाचने एक हाथ पकड़ा हो गया, बढ़िया नाच रहे भाई। पहले तो मैं चेक इन करता हूँ यार, ये बाद में देखेंगे बाद में देखी जाएगी ये सब चीज़ें, ये तो नाचते ही रहेंगे रात भर दिन भर। भाई एयरबीएनबी में जा रहा हूँ अभी ना, और तुम यही है शायद। भाई देखो ये अपना एयरबीएनबी और ऐसा कुछ दिखता ही है, ये मेन हॉल टाइप पता नहीं क्या है, और यहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने फ्रिज, यहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन भी है, और ये अपना रूम, ये वाला रूम है उसकी, पहले रूम देख लो तगड़ा है क्या भाई साहब, तगड़ा है दो बंदों के हिसाब से सही है। इसके अंदर क्या है लाश, कोई नहीं बंद कर दो इसे। और ऐसा कुछ दिखता है बाहर का व्यू, बाहर का व्यू भी खेड़ा भाई। और पता है यहाँ से सिटी सेंटर बहुत पास है, लाइक ये वाली जो सामने वाली गली है ना इसको पार करते ही सिटी सेंटर मेन आ जाता है। अब इसको कर देते हैं बंद, और ये सीन है कुछ सही है, मेरे को तो सही लगा। और बाकी रूम भी है इसमें पता है 1 से लेके 10 तक भी है, नहीं 207 है सॉरी। और ये पेंटिंग बड़ी टैक्सी लगा रखी है उन्होंने देखने को, भाई यही है यार बी एन बी में तो। और मैं अब यार कुछ खाता पीता हूँ, मेरे को लग रही है भूख बहुत तगड़ी। भाई इसमें रखी थी सारी कुकीज भर के पेल दी, और ये बंद करके रख दिया वापस। अब मैं जा रहा हूँ बाहर कुकीज पेल पाल के। भाई तुम्हें कोड बता दूँ इसका, ये देखो 1144 88। हो जा क्या कह रहा है ये, हाँ हो गया लॉक, यस। भाई अगर कोई इस वाले बीएनबी में आएगा ना तो इसका लॉक मैंने तुम्हें बता दिया है, बिना पैसे दिए बढ़ जाना है इसमें। भाई मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए, और अब जा रहा हूँ यार 7 बज गए,
उसकी 7:40 पे फ्लाइट लैंड हो गई होगी मेरे दोस्त की ना, और अभी 7 बज रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा लेट ही जाऊँगा, फिर लाइट जल जा कैसे, लाइट ही नहीं है क्या, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा लेट जाऊँगा क्योंकि उसको निकलने में भी तो टाइम लगेगा, और यहाँ से बस 15 मिनट्स अपना जो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है तो पहुँच तो मैं अभी जाऊँगा, इसीलिए अब निकलूँ मैं, अब जाता हूँ सीधा और तुम्हें दिखाता हूँ क्या सीन है भाई। देख रहे हो रात हो गई यार, अंधेरा हो गया, पूरा ढंग से नहीं हुआ बट हाँ हो गया, तो अब मैं पहुँचता हूँ सीधा एयरपोर्ट, फिर तुम्हें दिखाता हूँ सीन। भाई अभी पहुँच चुका मैं एयरपोर्ट पे और अराइवल पे बैठा हुआ हूँ, दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, सामने ही अराइवल ना उस साइड, वहाँ पर वेट कर रहा हूँ यहीं बैठ के, अपना यूट्यूब देख रहा हूँ क्या करूँ। भाई मेरे हिसाब से ना आने वाला है मेरा दोस्त ना, शायद निकलने वाला होगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को बैठे बैठे, क्योंकि तो उसकी फ़्लाइट भी डिले हो गई थी, मैं निकला था उसकी फ़्लाइट 6:40 पर लैंड करने वाली थी, तो मैं निकला था 7 बजे, मेरे को पता था टाइम लगेगा, फिर मैंने चेक किया जब मैं ट्रेन में बैठ चुका था कि यार फ़्लाइट कहाँ तक पहुँची, तब मुझे पता चला कि 7:20 पर तो लैंड करी है फ़्लाइट, तो मैंने कहा ठीक है चलो लेट निकला मैं, सही हुआ। अब बस यहाँ बैठ के वेट ही चल रहा है तगड़े वाला, बाकी फिर दिखाता हूँ मैं, तो एक बार निकलता है ना वो फिर देखते क्या सीन है, कहीं बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक बार पहले तो एयरबीएनबी चलेंगे, रूम में सारा सामान वामान रखने, बैग वैग सारे रखने, उसके बाद देखते हैं कहीं बाहर बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, बताता हूँ मैं। भाई आ गए थे हम, और मैंने यार वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारे बैग थे, 2 बैग थे और एक ये था और एक वो भी था एक छोटे वाला, सारे बैग थे इसलिए मैंने वीडियो बनाई नहीं। और अब माँ के भाई ऐसे बैठ बैठ गए थे और अब सोएंगे बस, और तो कुछ नहीं है भाई। रात का व्यू यार, व्यू तो कुछ भी नहीं है, देखो थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये सीन है भाई, अब बस सो रहे हैं भाई, हो गया। आई होप इस वीडियो में तुम्हें मस्त मजा आया होगा, है प्रॉपर वाला तगड़ा।